प्राइवेट कार ओला ऊबर ज्वाइनिंग के ऊपर जो है मैं एक वीडियो बनाया था, और वो जो वीडियो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सर्च में जा रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, और उसमें जो है लोगों का कमेंट आया कि भाई तू जो है मना कर दिया है लेकिन लोग तो चला रहे हैं, लोग धर्रे से जो है प्राइवेट कार को जो है ओला उबर मतलब टैक्सी के रूप में जो है यूज कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में जो है मैं बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप प्राइवेट कार को जो है ओला उबर में नहीं लगा सकते हैं। चलिए क्या बात है पूरे डिटेल में बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना। देखिए प्राइवेट कार को जो है आप अगर ओला और उबर में चलाते हैं तो ओला उबर में जो है टैक्सी चलती है मतलब येल्लो प्लेट चलती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कार को लगा रहे हैं तो वो प्राइवेट है मतलब आप खुद यूज कर सकते हैं, लेकिन ओला उबर में जो चलती है वो टैक्सी वाली चलती है मतलब येलो प्लेट वाली, लेकिन लोग जो है चला रहे हैं। ठीक है, लोग ज्वाइनिंग करके जो है ओला उबर में उसे टैक्सी के रूप में जो है यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो में जो बोला था कि भाई आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाँ चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है, चल रहा है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं चल रहा है मतलब नॉर्मल चल रहा है। अब आते कि भाई जब चल रही है तो फिर कैसे चल रही है, ज्वाइनिंग कैसे होगा। देखिए पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग प्राइवेट कार को जो है ओला उबर में चला रहे हैं, सबसे पहले तो यह गवर्नमेंट की तरफ से इनलीगल हो गया। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस या पुलिस पकड़ता है तो आपका जो हैवी चलान जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आप सबको पता होना चाहिए कि ओला उबर का जो मैंने टैक्सी कैब का जो है ये कि यूनियन चलता है, अगर यूनियन वाले के हाथ में आप लग गए तो ऊपर से ठोकेगा वो तो अलग हो गया, फिर आपके ऊपर जो कंप्लेन जाएगी वो अलग से जाएगी। चलिए वो भी हम हटा देते हैं, एक कॉल ले लेते हैं। अगर आपको कोई, क्योंकि आप ऑन फील्ड रहेंगे, हाँ मुश्किल से मतलब किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी जो है टैक्सी के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई कैब ड्राइवर जिनमें जिनका येलो प्लेट है वो अगर आपको देख लिया, आपका गाड़ी नंबर मतलब जो लिखा हो रहा था गाड़ी नंबर तो सबका फ्रंट में ही होता है, गाड़ी नंबर देख लिया तो फिर अगर वो कंप्लेन कर दिया, अपने यूनियन को कंप्लेन कर दिया या कैब वाले 5-6 बंदे को बोल दिया तो फिर आपकी वहां पे कुटाई हो सकती है, और हुई भी है, हुई है, क्योंकि मैं अभी बात किया था जो ओला उबर कैब ऑटो ये सब ज्वाइनिंग करते बोला देखो ज्वाइनिंग होती है लेकिन वो अपने रिस्क पे चला सकते हैं। अब आती है बात कि ज्वाइनिंग कैसे होगी प्राइवेट का, तो देखिए ज्वाइनिंग हो रही है, मैं इसमें वीडियो में जो है मैं किसी बंदे का नाम नहीं लूंगा, कोई भी आपको लोकेशन भी नहीं दूंगा कि आप यहां से जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूं, जो येलो प्लेट को मैंने जो येलो प्लेट गाड़ी को ओला उबर में ज्वाइनिंग करते हैं वही प्राइवेट कार को भी ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी रिस्क नहीं लेंगे कि भाई तुम्हारी अगर गाड़ी मैं चलो ठीक है ज्वाइनिंग कर दिया जैसे भी करके आपकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन रिस्क बंदा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारे आईडी ब्लॉक होता है या तुम्हें कोई पीटता है या आपके ऊपर चलान होता है तो हमारा कोई भी लेना देना उसमें से नहीं है। लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि नहीं कीजिए, बहुत बड़े लोचे हैं। ठीक है, और जो चला रहे हैं भैया वो अपना ध्यान से चला रहे हैं तो लग गई ऊपर से मतलब चलान जाएगा ऊपर से कुटाई जाएगी, और जो ज्वाइनिंग है वो ओला उबर के जो एजेंट होते हैं वही करते हैं। इस वीडियो में किसी भी बंदे का नाम नहीं लूंगा, किन्हीं का नंबर नहीं दूंगा और कोई एड्रेस भी नहीं बताऊंगा। तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है आप सबको काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक करना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।